सरोवर नगरी नैनीताल में बढ़ते यातायात के दबाव को व्यवस्थित करने एवं पार्किंग व्यवस्था सुलभ हो, इसे लेकर आज आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत एवं डीआईजी डॉक्टर निलेश आनंद भरणे ने संयुक्त रूप से नैनीताल मस्जिद रोड से रूसी बाईपास में बने पार्किंग व अन्य व्यवस्थाओं का संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केएमवीएन द्वारा संचालित सुखाताल में पार्किंग का निरीक्षण किया व वहां पर लंबे समय से खड़ी गाड़ियों का सत्यापन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नारायण नगर पार्किंग के निरीक्षण के दौरान पार्किंग निर्माण के आधे अधूरे कार्यों को देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए केएमवीएन के जेई दीपक जोशी को 2 दिन में पार्किंग को संचालित करने व संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी, शौचालय व विद्युत की भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इसके अलावा रूसी बाईपास में वाहनों की व्यवस्थाओं एवं शटल सेवा वाहन व्यवस्था पर संतोष जताते हुए उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन को शटल सेवा में वाहनों की और अधिक संख्या बढ़ाने व वॉलंटियरों की तैनाती के निर्देश दिए ताकि लोगों को शटल वाहन सेवा की अच्छी व्यवस्था मिल सके। उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीएस बिष्ट को रूसी बाईपास में यात्रा सीजन के दौरान मोबाइल शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। दीपक रावत ने कहा कि यदि कोई समस्याएं होती हैं तो उसे अवगत कराएं ताकि समस्याओं का समाधान समय से पहले हो सके व आने वाले समय पर पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत द्वारा डीआईजी नैनीताल के कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम, सीसीटीवी एवं कार्यालय के अन्य कार्यों की जानकारी लेते हुए मस्जिद तिराहे पर सीसीटीवी पर विशेष सॉफ्टवेयर लगाने के भी निर्देश दिए ताकि तिराहे पर आने जाने वाली गाड़ियों की संख्या पर नजर रखी जा सके।